फील्ड ऑफ इनफाइनाइट प्लेनर चार्ज। देखिए ये गेज लॉ की हमारी थर्ड एप्लीकेशन होती है, फील्ड ऑफ इनफाइनाइट प्लेनर चार्ज। जो हमने पीछे की थी वो सिमेट्री अबाउट ए पॉइंट थी, जो कि फील्ड ऑफ चार्ज क्लाउड था वो भी सिमेट्री अबाउट ए पॉइंट था। अब ये सिमेट्री अबाउट ए प्लेन है, फील्ड ऑफ ए इनफाइनाइट प्लेनर चार्ज जो कि सिमेट्री अबाउट ए प्लेन है। ये थर्ड एप्लीकेशन है हमारे गेज लॉ की। तो इसमें क्या होगा, क्लोज सरफेस एस होता है हमारा, जो कि एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप में होगा, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप होगी जिसमें एक क्लोज सरफेस होगा एस। ये हमारा गेजियन सरफेस है और इसमें चार्ज है, ठीक है। अब इसके बीच में क्लोज सरफेस होगा एस है जिसे ड्रॉ किया गया है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप की फॉर्म में। तो इसमें देखिए सिमेट्री जो होती है हमारी इनफाइनाइट जो एक्सटेंसिव चार्ज की जिसमें जरूरत पड़ती है, इसमें ई जो होगा वो नॉर्मली अवे दोनों होते हैं, दो सरफेस है एस वन और एस टू, ये दोनों क्या होंगे, अवे होंगे, नॉर्मल अवे दोनों साइड में अवे होंगे। कैसे, देखिए एस वन जो होगा ई इज इक्वल टू प्लस ए एक्स ई एक्स के इक्वल होगा और एस टू जो होगा ई माइनस ए एक्स ई एक्स के होगा। अब देखिए ये क्या है, ये जो गेजियन सरफेस है डी एस ये इज इक्वल टू है ए एक्स डी एक्स के, और इसमें ये क्या है हमारी, ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्म सरफेस है जिसमें चार्ज डेंसिटी है। अब देखिए इसकी इसमें जो एस है वो क्लोज सेक्शन एरिया है पैरेललोपाइप का, यानी ये वाला एस, और इसके अंदर दो सरफेस एस वन और एस टू है। अब इस पे हम गेज लॉ अप्लाई करेंगे। गेज लॉ में सबसे पहले हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि जो हमारा क्लोज सरफेस है इंटीग्रल ऑफ एस रो एस डी एस के रो एस डी एस जो कि इसके लिए है, ये इज इक्वल टू है क्लोज सरफेस एस वन के लिए जो कि डी डॉट डी एस होगा प्लस क्लोज एस टू के लिए ये भी डी डॉट डी एस होगा, यही होगा ना हमारा। अब देखिए कि एक प्लस साइड है एक नेगेटिव साइड है, ये तो हम जानते ही हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे, डी इज इक्वल टू होता है एप्साइलन नॉट ई के और E is equal to है यहाँ पे AX और EX के। अब D की ले रहे हैं पहले S1 के लिए ले रहे हैं पहले, तो D is equal to epsilon not E और E is equal to EX AX, तो epsilon not constant है तो बाहर आ गया EX AX अंदर आ गया, तो AX DS हो गया plus same ऐसे ही epsilon not S2 के लिए minus AX EX, क्योंकि एक positive में तो दूसरा negative में है minus AX EX तो minus AX DS आएगा। ये इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू होगा, इसके इसके इक्वल है कि क्लोज सरफेस जो हमारा है इंटीग्रल रो एस डी एस और रो एस डॉट डी एस, ये जब इसको ओपन करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा रो एस ए के कैपिटल ए, ये क्या है एरिया है एंड ऑफ द पैरेललोपाइप का, तो इसे रो एस ए से डिनोट किया है तो रो एस ए आ गया। अब फर्दर हम इसको ओपन करेंगे जो इंटीग्रेशन, ये रो एस ए के इक्वल है तो ये क्या है एप्साइलन नोट ई एक्स इंटीग्रल डी एस, इसमें भी एप्साइलन नोट ई एक्स इंटीग्रल ऑफ सरफेस टू की डी एस यही रहेगा जो इज इक्वल टू है राव एस ए के, ये प्लस में हो जाएगा ना, क्यों ये माइनस ए एक्स है माइनस ए एक्स है ठीक है और डॉट है ए एक्स डॉट एक्स वन के होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए कि एप्साइलन नोट ई एक्स ये किसके इक्वल है इंटीग्रल एस डी एस जो कि ए के इक्वल है, ये क्या है हमारा ए क्या शो करता है एरिया ऑफ एंड एंड ऑफ पैरेललोपाइप, तो ये क्या है एस वन के लिए ए ये एस टू के लिए ये वाला ये ए हो जाएगा ये रो एस ए के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे टू एप्साइलन नोट ई एक्स एस ए आएगा, इन दोनों को एड करेंगे जो इज इक्वल टू है राउ एस ए के इक्वल। अब यहाँ से हम ex की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो इक्वेशन है वो निकालेंगे, ex is equal to आएगा rho s 2 epsilon node के equal। अब हम जो अब ये हमारे पास इक्वेशन आई है, अब इसमें देखिए कि अब हमारे पास ये जो वेक्टर है इसमें फील्ड जो इंक्लूड है दोनों साइड्स पे है, जो प्लेनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है प्लस में भी है माइनस में भी है। अब देखिए इसमें जो बोथ साइड जो प्लेनर की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो दोनों साइड ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो फील्ड है उसमें इंक्लूड है जो वेक्टर ऑफ द फील्ड है दोनों साइड पे इंक्लूड है, तो E इज इक्वल टू प्लस ए एक्स ई एक्स जब x बड़ा होता है जीरो से और E इज इक्वल टू माइनस ए एक्स ई एक्स होता है जब x छोटा होता है जीरो से।
अब जैसे ex is equal to है rho s 2 upon 2 epsilon naught, तो ये प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, तो e is equal to plus rho s 2 epsilon naught ex होगा और e is equal to minus rho s 2 epsilon naught ax होगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो दोनों साइड यूनिफॉर्म होगी. इनफाइनाइट प्लेनर चार्ज होगा वो दोनों साइड कांस्टेंट होगा और यही हमारी जो फील्ड होती है इनफाइनाइट प्लेनर चार्ज की, जो इसकी गेज लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.